माता के नाम पे कलंक प्रधानमंत्री है, क्रूर प्रधानमंत्री, हिटलर प्रधानमंत्री, कंस प्रधानमंत्री भारत का, कि प्रत्येक दिन नरेंद्र मोदी को नई नई चाहिए। शर्म नहीं है हमारे पूर्वक है, शर्म नहीं है माननीय प्रधानमंत्री को? डूब के मर जाओ चिल्लू भर पानी में अंध भक्तों, डूब के मर जाए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डूब के मर जाए आरएसएस संगठन, डूब के मर जाओ अंध भक्तों। ये तो जी रहे हैं कि अगर मोदी जी कुएं में कूदेंगे तो हम कुएं में कूदेंगे। कल मैंने ऐसा एक तस्वीर भी देखा था, इतिहास इस बिन औलाद के प्रधानमंत्री को कभी माफ नहीं करे। ४९४७ में आजादी मिली और बंटवारा भी हुआ, देश का विभाजन हुआ, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि भारत के इतिहास के अंदर कभी भी इतना बुरे दौर से आम जनता को कष्ट झेलना पड़ा हो। जैसा तस्वीर देखने को मिल रहा है, मानवता को शर्मसार करने वाला तस्वीर है। और जिस व्यक्ति के आंख से आंसू ना आए और दया ना आए, वो मानवता कहलाने के लायक नहीं है। और वो व्यक्ति है भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। वो मानवता के नाम पे कलंक प्रधानमंत्री है। उसके अंदर एक भी किसी भी एंगल से मानवता है ही नहीं, क्योंकि जैसी तस्वीरें हम लोग को देखने को मिल रही है, 2,000 किलोमीटर से पैदल चल रहे हैं लोग, भूख प्यास से मर रहे हैं लोग, हमारी माता बहने 6 महीने का बच्चा किसी के पेट में है, किसी के 7 महीने का, किसी के 8 महीने का, और वो हजारों किलोमीटर पैदल चल रही है। और ये क्रूर प्रधानमंत्री, हिटलर प्रधानमंत्री, कंस प्रधानमंत्री भारत का, इसको दया नहीं आती है, इसको दया नहीं आती है। अपने आप में पता नहीं किस दुनिया में जीता है ये प्रधानमंत्री कि मजदूरों की परेशानी, हमारे देश में माता बहनों की परेशानी, इस व्यक्ति को कहीं नजर ही नहीं आता है। इस व्यक्ति को यदि कुछ नजर आता है तो अपने शौक, फैशन। अच्छा ही कहा था श्री राहुल गांधी ने कि ये सूट बूट की सरकार है, कुछ बुरा नहीं कहा था, क्योंकि मोदी एक बार जो वस्त्र पहन लेता है उसे दोबारा वस्त्र नहीं पहनता है। शायद इस वस्त्र से याद आया कि इसीलिए मुझे लगता है अपनी घरवाली का साथ नहीं दिया इसने। जब वस्त्र पहनता है उसको छोड़ देता है तो ऐसी चीजें इसको, और इसी के पार्टी में जो अभी कपिल मिश्रा है, उसी का बयान था कि प्रत्येक दिन नरेंद्र मोदी को नई नई चाहिए। आज उसके पार्टी के एक कद्दावर नेता है और उसी को देखा आपने, दिल्ली में दंगे हुए थे और कैसे उसको Y+ की सुरक्षा दे दी गई। तो जो पोल पट्टी खोल दे उसकी तो बड़ी वो करते हैं मोदी जी। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज। अब मैं एक श्री नरेंद्र मोदी का ही बयान दिखाता हूं भाषण देते हुए, आप इससे समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी वो स्वयं क्या कह रहे हैं। एक सेकंड सर, मैं आपको भी एक दिखाता हूं, ये तस्वीर देख लीजिए। जो पैकेज घोषित करते हैं ना, और जो कुछ देते नहीं ना, अब उनको पैक कर करके भेजने का समय आ गया। संकट के समय एक पैकेज घोषित करने की फैशन हो गई। मैं आपको कुछ मिलता है क्या? इतने पैकेज आते हैं, मिला है कुछ आपको? मिला है कुछ?
ये जो पैकेज घोषित करते हैं ना और जो कुछ देते नहीं ना, अब उनको पैक कर करके भेजने का समय आ गया। अब आप समझ गए होंगे कि जो सरकारें पैकेज घोषित करती हैं और देते नहीं हैं, ये प्रधानमंत्री स्वयं कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का स्वयं का बयान है कि जो पैकेज घोषित करते हैं और वो पैकेज देते नहीं हैं, वैसे व्यक्तियों को पैक करने का समय आ गया है। मतलब ये आप बढ़िया से तर्क समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि पैकेज तो मैंने बहुत सारे दिए, जनता तक नहीं पहुंचा। बिहार में ही रख लो, पता नहीं कि 125 करोड़ की, 125 करोड़ की पैकेज की बात किया था विधानसभा चुनाव में 2015 में मुजफ्फरपुर की रैली में, नहीं दिया बिहार को। कहां गया वो पैकेज? या दिया होगा तो आपस में बांट लिया होगा। अब ये 20 लाख करोड़, आप समझ लीजिए 20 लाख करोड़, क्या गरीब किसी मजदूर को, जो व्यक्ति एक रेलगाड़ी की सुविधा नहीं दे सकता है, उनको घर तक नहीं पहुंचा सकता है, वो व्यक्ति क्या आपको राहत पैकेज की बात कर रहा है और वो दे देगा? और याद होगा आपको 2014 के चुनाव में रैलियों में, तमाम रैलियों में, एक दो रैलियों में नहीं, सैकड़ों रैलियों में नरेंद्र मोदी ने भाषण में कहा था कि विदेश से हम काला धन लाएंगे, 100 दिन के अंदर लेके आएंगे। 15-20 लाख रुपए तो यूं ही, इतना काला धन है विदेश के बैंक में, इतना काला धन है कि 15-20 लाख रुपया तो आपको यूं ही मिल जाएगा। तो ये समझने की बात है। मधुबनी के अंदर 2 दिन के अंदर 3 गाड़ियां आई हैं, रेलगाड़ियां, लेकिन वो स्थिति है खाने की, पिछले 50 दिन के अंदर 3 गाड़ियां, मात्र 3 गाड़ियां, यानी 3,3300 आदमियों को लेके आया गया है, जो कि लाखों आदमी सिर्फ मधुबनी जिले के लोग बाहर फंसे हुए हैं। लगभग 2 महीना होने जा रहा है अब, उनको खाने पीने के लिए ऐसा व्यवस्था सरकार ने किया है, सरकार ने उनका ऐसा व्यवस्था किया है कि जैसे कोई जानवर को चारा नहीं देके भाग जाता है, वो तो जानवर को फिर भी मिला के खिलाता है, तो इस तरीके से चारा दे देता है यानी खाना और छोड़ देता है, और जैसे 4 कुत्ते नहीं उसके खाने के ऊपर झपटते हैं, उसी तरह से। एक तस्वीर मैं आपको और दिखा रहा हूं, रेलगाड़ी की ही है, कटिहार की। आप इस तस्वीर को देख के समझ सकते हैं, एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये खाने में देख लीजिए, ये तस्वीर को जरा ध्यान से देख लीजिए, ये कटिहार रेलवे स्टेशन की है, खाने को लोग लूट रहे हैं। क्या इससे पहले आपने भारत में ऐसी तस्वीर देखी थी? एक तस्वीर मैं आपको और दिखा रहा हूं, ये तस्वीर देख लीजिए, नरेंद्र मोदी की कोई अपनी औलाद होगी नहीं, है ही नहीं, तो वो दूसरे की औलाद का दुख दर्द क्या समझेंगे। ये देख लीजिए कैसे छोटे से बच्चे को ये मां एक ब्रीज केस के ऊपर लेके जा रही है, और ये उससे भी भयानक, जो मानवता को शर्मसार कर देगी, वो उससे भी भयानक ये तस्वीर, ये दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। ये देखिए कैसे ये कचरे के अंदर से ये व्यक्ति खाना बीन के खा रहा है। यह है भारत का न्यू इंडिया, मेक इन इंडिया, साइनिंग इंडिया, ये भारत का नया इंडिया है जो मोदी जी ने बनाया है। एक तरफ पक्षी खा, ये देख लीजिए जरा ध्यान से, शर्म नहीं है, हमारे पूर्व शर्म नहीं है माननीय प्रधानमंत्री को, डूब के मर जाओ चिल्लू भर पानी में अंध भक्तो, तुम मानव कहलाने के योग्य नहीं हो, डूब के मर जाए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डूब के मर जाए आरएसएस संगठन,
डूब के मर जाओ अंध भक्तो, बेशर्मी का यदि तार। ये मानवता को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि क्या इससे पहले भारत की ऐसी तस्वीर हम लोग को कभी देखने को मिला कोई नाली में से? तो आप लोग समझ सकते हैं क्या यह प्रधानमंत्री कहलाने के योग्य है? क्या यह भारत का प्रधानमंत्री इस योग्य है कि बहुत डिस्टर्ब किया जा रहा है गोबर भक्तों के द्वारा। जब भी वीडियो कॉलिंग करता हूं, ये वीडियो बनाता हूं, वो जानबूझ के इतना कॉल करते हैं ना कि डिस्टर्ब होता है, आदत से मजबूर है ना, क्योंकि मानवता इनके पास है नहीं और सच्चाई इनको देखना कतई पसंद नहीं है। ये तो जी रहे हैं कि अगर मोदी जी कुएं में कूदेंगे तो हम कुएं में कूदेंगे। कल मैंने ऐसा एक तस्वीर भी देखा था, अंधभक्त इसी का नाम है कि आगे की नहीं सोचना, पीछे की नहीं सोचना, जो मेरे आका ने कह दिया बस आका का पालन करना है। इसीलिए कहता हूं अंधभक्त गोबर भक्त, अरे भारत का हाल खराब हो गया। कोरोना वायरस क्या मार रहा है लोगों को? कोरोना वायरस तो एक बहाना बना के रख दिया है। कोरोना वायरस एक बहाना है, असली निशाना गरीब मजदूर बिहार यूपी के मजदूर हैं, इनको मारने का एक बहुत बड़ा प्लान है नरेंद्र मोदी का, योगी आदित्यनाथ का, नीतीश कुमार का। यह बहुत बड़ा प्लान है, इस देश में गरीब जनता को मारने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, बहुत बड़ा प्लान है ये। ज्यादा और क्या कहूं, इतना ही कहूंगा। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी, सीताराम, मां भगवती, हे मां भगवती, हे मां जगत जननी, इस मूर्खों की टीम को कुछ अकल दे दो ताकि ये देश की गरीब जनता के ऊपर तरस खाए। हमारी माता बहने, छोटे छोटे बच्चे पैदल चल के मर रहे हैं। इतिहास इस बिन औलाद के प्रधानमंत्री को कभी माफ नहीं करेगा। जय हिंद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।